हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने जो है ना यहाँ पर अजवाइन का पानी किया हुआ है, मैं पी रही हूँ। एक्चुअली ना मेरे को दो दिन से ना एसिडिटी लग रही है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अजवाइन का पानी पीऊँ, जिससे मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स मिले। सो इसलिए मैंने अजवाइन का पानी पिया। और अभी जो है ना मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ दाल चावल और बनाऊँगी साथ में आलू की चिप्स, और अगेन बनाने वाली हूँ मैं इसके बाद आलू प्याज की सब्ज़ी। आलू के चिप्स मेरी बेटी को पसंद है, उसको खानी है, और आलू प्याज की सब्ज़ी मैं दाल चावल के साथ बनाऊँगी ताकि सब खाएं। मेरी बेटी को प्याज वाली आलू की सब्ज़ी नहीं पसंद, इसके लिए उसको सिर्फ मैं जो है ना सिंपल लाल मिर्ची में फ्राई करके आलू देने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर दाल में मैंने ना लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर डाल दी थी, टमाटर, लहसुन, और बस फिर इसको प्रेशर कुकर में डाल के इसको बॉईल कर लेंगे दाल को। और बहुत मज़े की बनती है इस तरह की दाल, कभी आप लोग इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करिए। और यहाँ पर अभी जो है ना मैंने आलू निकाल लिए, प्याज एक ले ली। लास्ट व्लॉग जहाँ पर मैंने एंड किया था ना, उसके आगे से ही व्लॉग को मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है। तो आलू जो है ना मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ, और एक प्याज को भी कट कर लेंगे। बहुत स्पीड रखी है मैंने वीडियो में, ताकि वीडियो जो है ना लॉन्ग ना बने। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर है ना, वो बोर ना हुए मेरी वीडियो से। तो बस इसके लिए मैं अभी के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं बस आप सबसे जो है ना मेरे छोटे छोटे व्लॉग शेयर करूँ। खैर, यहाँ पर आलू के चिप्स मैं बना रही हूँ, और कैसे बनाती हूँ वो तो मैंने कई दफ़ा आप लोगों को बताया है, रेसिपी शेयर की हुई हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ आलू प्याज की सब्ज़ी। तो मैंने थोड़ा सा तेल में ना ज़ीरा राई डाल दी थी, दो सूखी लाल मिर्ची डाल दी थी, और बस इसमें लहसुन भी डालना है। आलू प्याज की सब्ज़ी में लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतना है कि लहसुन को अच्छा फ्राई करें। और फिर बस इसमें मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दिया था फ़ौरन, और फिर एक प्याज डाल दी थी। ठीक है, प्याज को फ्राई करने के बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए, देन हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, और हरा धनिया डाल देना है, अच्छा खासा डाल देना है हरा धनिया। और बस मिक्स करके जो है ना इसको स्लो आंच पे जो है ना पकने रखना है ढक करके। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी है। बहुत बहुत टेस्टी लगती है इस तरह की सब्ज़ी अगर बनाओ तो। तो यहाँ पर आलू चिप्स जो है ना मैंने बना ली थी, मेरी बेटी को दे दी थी। उसको ना ऐसे ही फॉक से खानी है, बोलती कि मम्मी मेरे को दे दो, मैं दाल चावल के साथ नहीं खाऊंगी, मेरे को ऐसा सूखा खाने को बहुत अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह वो उसको पसंद है, इसके लिए मैंने बना के दिया। और यहाँ पर देखें दम पे जो है ना ये आलू प्याज की सब्ज़ी एकदम अच्छी परफेक्ट पक चुकी है। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि ऑयल कितना डाला है। देखिए, हम तो ऑयल ज़्यादा खाना अवॉइड ही करते हैं, लेकिन कभी कभार ना कोई कोई सब्ज़ी में मैं डाल देती हूँ थोड़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उतनी रूखी सूखी सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगती है ना। तो बस ये आलू की सब्ज़ी हमारी तैयार है, बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। दाल चावल के साथ तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह की सब्ज़ी बना के खाना। उसी सेम कढ़ाई में ना मैंने दाल को बघार देना है। तो मैंने बेसिक सी चीज़ें डाली है, ज़ीरा, राई, लहसुन, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, और यहाँ पर दाल भी बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है। पानी मैंने एकदम परफेक्ट डाला था, ये देखिए बिल्कुल भी जली नहीं है दाल। देखिए पानी, हाँ पूरा सूख गया था, मैंने इसमें पानी डाला, नमक डाला है। दाल को अच्छे से चमचे से घोट लेंगे, उसके बाद फिर तड़के में दाल को डाल देंगे। तुअर दाल ना कभी भी बना रहे हो ना तो थिकनेस ही रखनी चाहिए दाल में, बहुत पतली दाल नहीं होनी चाहिए तुअर दाल अगर बना रहे हो तो। हम लोग तो घटी खाते, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है ना। तो बस फिर मैंने इसमें अच्छा खासा धनिया भी डाल दिया है ऊपर से चॉप करके, और बस दाल को अच्छे से बॉयल ले लेना, और ये दाल डन। सो ये शाम का टाइम था, और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला भी था कि मैं खिचड़ा भी बनाने वाली हूँ, तो बस खिचड़ा बनाने के लिए ना मुझे कुछ सामानें लेनी ज़रूरी थी। सो मार्केट जाके जो है ना मैंने कुछ सामानें लेकर आया है, और कल संडे है तो कल खिचड़ा बनेगा संडे को। और ये देखिए बहुत सारी सामानें लेकर आए, मतलब खिचड़े के ही नहीं है, इसमें कुछ कुछ सामान ऐसे भी है ना जो घर के भी ख़त्म हो गए थे, वो भी मैंने लेकर आए हैं। और अभी जो है ना मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ। दोपहर में मैंने दाल चावल बनाए थे, आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई थी। आलू प्याज की सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी कि पूरी चट हो गई तो फिर अभी दाल चावल तो है, तो मैंने सोचा कि उसके साथ चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तो फिर ये हमारा था रात का खाना, दाल चावल एंड चिकन फ्राई।
और दाल भी बहुत टेस्टी बनी थी, हाँ देख सकते हो आप, बहुत ही मज़े की बनी थी। दाल में ना कभी भी आप खड़ी मिर्ची डालें, काट के ना डालें, बहुत अच्छी दिखती है खड़ी मिर्ची दाल में। खैर ये रही चौली, कल खिचड़ा बनाना है तो दालों को भिगाना पड़ेगा ओवरनाइट। तो ये रही चौली और इसमें मैं कुछ अक्खा मसूर डाल रही हूँ। और ये रही मिक्स दाल, इसमें गेहूँ, जौ, चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, इसमें हर तरह की दाल आपको नज़र आएगी। ये मैंने रेडीमेड दालें लेकर आई हूँ स्पेशली खिचड़े की। वैसे हर शॉप में इजीली अभी तो मिल ही जाते हैं, सिर्फ इतना है कि बोलना होता है उन लोग को कि हमें खिचड़ी की मिक्स दाल दो, तो वो दे देते हैं। तो चलिए अब देर किस बात की, इसको फटाफट मैंने धो लिया है और इसको ओवरनाइट भिगो देते हैं पानी में। और अब मैं अभी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डे पर। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी फैमिली के आप सबने मेरा व्लॉग को यहाँ तक के कंटिन्यू किया है, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मैंने ना क्या, हाँ टोस्ट और बटर मंगाए थे, मैं इनको ना डब्बे में डाल के रख रही हूँ। आजकल मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा है और ऐसी चीज़ें ना नरम जल्दी पड़ जाती है, तो इसके लिए मैंने फटाफट उसको एक कंटेनर में यानी वही डब्बे में डाल के रख दिया। और ये भिगी हुई दाल है ना, इसको मैं धो के ले रही हूँ। पानी भी आया है सुबह सुबह में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ही फ्रेश पानी से ही दालों को अच्छे से धो दिया जाए। और अभी पानी भी मुझे भरना है, मतलब भरना बोले तो वही पानी की बॉटलें वगैरह होंगी फ्रिज की। मैंने अजवाइन का पानी जो है ना सुबह सुबह में ही बना के रखा हुआ है, मैंने कल भी पिया है, मैं आज भी पीऊँगी। उससे क्या ना कि मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है। अजवाइन का पानी तो वैसे हर चीज़ के लिए अच्छा ही होता है, पेट के लिए, हाजमे के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं ना दो तीन दिन ज़रा अजवाइन का पानी पीती हूँ ताकि मेरा जो ये हाजमा है ना वो थोड़ा ठीक हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दाल को जो है ना इंसर्ट पॉन्ड में बॉइल कर लेते हैं। तो सारी दालें मैंने एक साथ ही डाल दी क्योंकि इंसर्ट पॉन्ड माशाल्लाह मेरा बड़ा है, तो अच्छी खासी क्वांटिटी इंसेट पॉट में जो है ना आ जाती है। हल्दी नमक डाल के जो है ना मैंने दाल को चढ़ा लेना है बॉईल होने के लिए। टाइम फिक्स कर लेते हैं। इंसेट पॉट को चलाना, यूज़ करना बहुत ही इजी है। इंसेट पॉट ऐसा है ना कि इसमें कैसा है ना कि कोई भी चीज़ हम बॉईल कर सकते हैं, पका सकते हैं। तो ये रहा मटन, बोन के साथ मैंने मटन लिया है 1 kg। और इसको जो है ना अभी अच्छे से भिगो के फिर इसको अच्छे से धोएंगे। उसको बॉईल करना है मुझे नमक हल्दी डाल के। और यहाँ पर मैंने क्या किया था ना, टोप चढ़ा लिया था। सबसे पहला प्याज को फ्राई कर लेते हैं, बरिश्ता बनाना है ना, तो बस। और ये रहा शाही मसाला खिचड़े का, ठीक है, तो आज वही बन रहा है, शाही खिचड़ा ही बन रहा है। मैंने डस्टबिन सुबह में बाहर रखी थी ना, तो उसको मैंने अंदर ले ली। और ये रहे वो गरम मसाले जो मैंने रात में जाकर लेकर आए थे, मेरे को इनको जो है ना सेट करना है, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया, बाद में सेट करूँगी क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं था। और कल रात को थोड़ा थक भी गई थी मैं, मार्केट घूम के आना बोले और उसके बाद घर का काम करना बोले तो नहीं होता बाबा। तो बस फिर फ्रीज से मैंने पीसे हुए मसाले निकालिए। और यहाँ पर देखें प्याज हाफ फ्राई हुई ना, मैंने थोड़ी सी निकाल ली साइड में, और थोड़ा सा डार्क करने के बाद ये तला हुआ बरिश्ता मैंने निकाल लिया। ये तो लगेगा ना खिचड़े में, तो यही मेन होता है बरिश्ता। और ये रहा शाही मसाला खिचड़े का, इजीली हर मार्केट में अवेलेबल होता है। और इसमें मैं होममेड कुटा हुआ मसाला भी डाल रही हूँ मेरे घर का। देन हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, और यहाँ पर जो है ना मैं नींबू, प्याज, धनिया वगैरह सब चॉप करके ले रही हूँ। और धनिया पुदीना बहुत अच्छे से क्लीन किया है मैंने, आप देख सकते हो मेरे बाउल में पानी एकदम क्लीन है। बारिश में ना हरा धनिया देखे बहुत मिट्टी वाला होता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी वाला होता है, तो अच्छे से धोया करें। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोगों के घर में, नोटिस भी किया है कि बहुत से लोग है ना धोते नहीं हरा धनिया, ऐसे ही चॉप करके डाल देते। ऐसा ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई ऐसा होगा, कोई कोई ऐसा होता है। खैर यहाँ पर प्रेशर निकाल लिया है मैंने इंसेंट पॉट का, और ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से जो है ना दालें, गेहूँ, जौ, चौली वगैरह सब एकदम परफेक्ट बॉयल हो गई है। मैंने फटाफट से जो है ना एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया। और इसके बाद यहाँ पर खड़े मसाले डाले हैं सेम तेल में। प्याज को जो मैंने हाफ फ्राई किया था वो मैंने गरम मसाले के साथ डाल दिया है। और इसमें मैं टमाटर का पेस्ट ऐड कर रही हूँ लगभग 3 से 4 चम्मच, और 2 चम्मच मैं पीसे हुए मसाले के ऐड कर रही हूँ।
और बस मसाला बहुत अच्छे से भून लेना है कच्ची स्मेल ख़त्म होने तक, क्योंकि मैंने मसाला कच्चा ही पिसा था। और इसमें फिर मैंने बताए हुए सारे ड्राई स्पाइसेस मसाले डाल दिए और यहाँ पर कुकर में जो गोश्त बॉईल को रखा था मैंने, इसमें थोड़ा सा पानी क्या है ना ज़्यादा हो गया, तो मैंने क्या किया कि उसका प्रेशर निकालते वक्त मैंने जो है ना ये दाल में उसका प्रेशर छोड़ा, तो उसका पानी पूरा दालों में आ गया। और मटन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं ना कुछ पीसेस मटन के निकाल रही हूँ, कल इससे मैं इंशाल्लाह कुछ बनाऊँगी। और बस फिर मसाला में मैं ऐड कर रही हूँ दही। मैंने कभी दही ऐड नहीं की हूँ, खिचड़ा जब भी बनाया ना तो मैंने कभी भी दही का इस्तेमाल नहीं किया, मैं फ़र्स्ट टाइम खिचड़े में दही डाल रही हूँ। बस दही डालने के बाद मैंने मटन डाला और मटन को अच्छे से भून लेना है, उसके बाद धनिया पुदीना के पत्ते डालने और एक दफ़ा फिर भून लेना है, इसे अच्छे से भून लेना है ताकि जो भी ऑयल है वो सेपरेट हो जाए मसाले से। ये देखिए एकदम मस्त ग्रेवी बनी है मटन की, और इसमें मैं अभी बॉईल की हुई दालें वन टाइम में सारी ऐड कर रही हूँ। बहुत एहतियात से डालें, इस टाइम पे डालें, क्या होता है ना कभी कभार हमें चटका वटका भी लग जाता है या फिर गिर पड़ भी हो जाती है, इसलिए एहतियात ज़रूर बरतें। और उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करें, गर्म पानी डाला है मैंने, ठीक है। और बस मिक्स करना है और नमक भी डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मिक्स 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 एंड मिक्स करना और अच्छे से पका लेना। मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्ची चॉप करके, एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेनी है। जब हम खाएंगे ना खिचड़ा, तो जब एक बाइट लेंगे ना तो ये मिर्ची भी मुँह में आनी चाहिए, आहा क्या लगता है हरी मिर्ची का टेस्ट। तो मैं इसमें चॉप करके ज़रूर डाल रही हूँ तीन मिर्ची, और फिर ऊपर से बस गार्निश कर देंगे हरा धनिया पुदीना बरिश्ते से, और एक बॉईल ले लेंगे चीज़ों के साथ। और उसके बाद फिर ये देखें हमारा खिचड़ा लुक बहुत प्यारी है। नमक ज़रूर चेक करके डालें, मेरा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी कि जो मैंने शाही मसाला रेडीमेड यूज़ किया है ना खिचड़े में, उसमें नमक भी होता है, मुझे पता ही नहीं चला। हल्का सा नमक जो है ना मेरे खिचड़े में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। खैर मैंने इसमें ना सुहाना का गर्म मसाला भी डाला है, और फिर एक बार बॉयल लिया था मैंने खिचड़े को, और ये मैंने एक अलग से बाउल में देगची में निकाला है। ये मैं दे रही हूँ सारा के चाचू के वहाँ पर खिचड़ा, ये पार्सल होएगा मेरे रिलेटिव में, और बस इसको भी थोड़ा डेकोरेट किया है और इसको पैक करके ये भिजवा दूँगी सारा के डैडी के हाथ से। फिर इसके बाद हम सब भी खाएंगे। नमक खिचड़े में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, मामूली सा बोलते हैं ना, एकदम थोड़ा सा तेज़ लगता है नमक, बस वैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। लेकिन मैंने क्या किया था पता है क्या, नमक कम करने के लिए मैंने एक चीज़ की थी कि इसमें ना प्याज डाल दी थी, कच्ची प्याज डाल दी थी, तो जिससे जो नमक हुआ था ज़्यादा वो एकदम कम हो गया, यानी एकदम परफेक्ट हो गया खिचड़ा खाने को। तो बस फिर गार्निश करो और इन्जॉय। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़, बाय।